हाय, ये देखिए क्या लगा तुम इतना बेवकूफ की तरह। राखी लेंगे भाई के लिए, अच्छा वाला राखी लेंगे, महंगा वाला। ये थोड़ा महंगा गिफ्ट भी दे। तो गाइस क्या क्या है ये देखिए, ये एक जादू का पिटारा है। आते ही हम लोगों को इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है, क्या जी? गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस प्रशून में। तो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं घर पे, सुबह सुबह एकदम मस्त झमाझम यहाँ का बारिश। यही कोलकाता का खूबसूरती है कि आप अप्रैल से लेके अक्टूबर तक बारिश ही बारिश मिलेगा आपको ईच एंड एवरी डे। बाकी ये ट्रॉफी देख रहे हैं मेरे हाइट की है, मेरे से भी बड़ी आई थिंक है ना। अरे यार पूरा देख तो नहीं पा रहे हैं। तो ये जीत के लेके आया है मेरा भाई अपनी कान की कुर्बानी देके। कान में इसका इसको क्या हुआ है कि खेलते खेलते कान में एक्सीडेंटली पता नहीं कैसे, उससे अभी सुनेंगे क्या हुआ था कि कान यहाँ पे थोड़ा सा कट हो चुका है एंड उस पर स्टिचेस भी लगे हुए हैं। बाकी ट्रॉफी यहाँ पे आप लोग पूरा इतना बड़ा है, तितली देखिए कितना छोटी लग रही है इसके सामने। तो मैं अभी नहा वहा कर फ्रेश हो चुकी हूँ, जा रही हूँ नाश्ता वगैरह करने। तो यहाँ पे देखिए तितली के सामने ये ट्रॉफी है। तो इसके पीछे की कहानी ये बताएंगे और क्या क्या बताएंगे इनसे ही बच्चे। सबसे पहले तो जो मौसम है ये देख लीजिए, ऐसा लग रहा है किसी हिली एरिया में बैठा हूँ। मतलब बाहर जो है ना मौसम, वाओ मस्त विंडो से। और ये आते आते एकदम इतना खुशी मिल रहा है माइके में इनको। बाकी गाइस कप तो आप देख रहे हो ना, कप मुझे लग रहा है कि मगर मैं खड़ा हो जाऊंगा तो मेरी हाइट का मैं दिखा रहा हूँ। ये देख लो कप को भाई साहब, ये पूरा नीचे से देख लो कितना बड़ा भाई, 5 फीट का कप। जरा खड़ी हो ना, ओ भाई साहब। तो ये है हमारे फुटबॉलर जीत के आए हैं रात में 2 बजे गेम खेल के। भाई साहब मुंह नहीं दिखा रहे। और ये कान की कुर्बानी जरा देख लीजिए इनकी, जरा दिखाइए कान। ये भाई साहब, ये भाई साहब तुम्हारा भाई भी। तितली को देखो, तितली क्या है यार इतना बड़ा कप भाई, हम अपने जीवन में ये देख ली। अब इसको चाहिए बॉल, बॉल का देखिए। तो आते आते ही हम लोगों को इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है, क्या जी? इतना बड़ा ट्रॉफी हम तो नहीं देखे थे कभी भी। तुम देखी थी कभी? फोटो में देखे थे, लोग जीतता है ना, मतलब अब तो डालता वगैरह नहीं। हमारे तरफ इतना बड़ा कप का भी मैच नहीं होता, मतलब फुटबॉल को उतना क्रेज नहीं है बिहार में है। बाकी गाइस बारिश तो भाई साहब क्या ही बताऊं मैं, झमाझम सुबह से बारिश हो रही है और बढ़ते जा रही है। और मैं मस्त नहा धोवा के एकदम मस्त नाश्ता भी कर लिया और बैठा हूँ, वीडियो वगैरह सब कुछ सेट कर रहा था, एडिट कर रहा था। चलिए अभी भी आप लोग बने रहिए और किस खास काम से हम लोग आए हैं वो भी आपको बताएंगे सब कुछ। अभी मस्त हम लोगों ने खाना पीना खा के रेस्ट किया और अभी उठ चुके हैं, तो मैं तो फ्रेश हो गया हूँ। और क्योंकि कल है राखी तो आप समझ सकते हैं राखी है तो भैया खास दिन है, और खास दिन है तो इधर देखिए तैयारी चल रहा अभी से। अभी ये लोग को कल माल कमाना है तो उसके लिए भाई साहब क्या कर रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं। मेकअप क्यों कर रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं माल के लिए। माल के लिए कहो, ये हमारी साली जी हैं, आधी घरवाली जी हैं और ये पूरी घरवाली। ये देखिए, अरे गजब गोरे होने का साक्षात उपाय देखिए आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ भाई। ओ भाई साहब क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये कह रही है क्या कर रहे तो गाइस, अभी इतनी काली लग रही थी, ये इतनी काली लगी हमें क्या पता 2 मिनट में पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं लगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या लगा है। हाय, ये देखिए क्या लगा तुम इतना बेवकूफ की तरह, गर्दन करिया लग रहा है, मुंह उजर लग रहा है, मिट्टी तरी तुम देखा तो तेरे मुंह। हम कुछ नहीं लगा, तुम्हारा तो ठीक है, तुमने लिपस्टिक लगा ली, नहीं काहे इसका ऐसा लग रहा है। हम कुछ नहीं लगाए हैं अपने शक्ल में। सोहिन बाबू बहुत लगा लियो तुम। अरे ठीक हो जाएगा, ठीक। तो गाइस क्या क्या है ये देखिए, ये एक जादू का पिटारा है और इसको क्या कहा जाता है, अंडा वाला है ठीक है, लॉक में एब्सोल्यूट, ये दोनों लोग लगाया है। तुमको ब्रश कर, अरे मैं ब्रश कर दे रहा हूँ, देखो ना बापो देखो। ये भाई चलो, ये क्या घोस्ट बन के जाना है क्या मार्केट? और गाइस बाहर ऐसा मौसम है, मतलब बारिश छूट ही नहीं रहा है, तो थोड़ी देर के लिए छूटा लेकिन अब बारिश होगा, अब बारिश होगा ऐसा लग रहा है। देखो कैसा है अभी मौसम, ये देख सकते इधर नारियल रखा हुआ है, देख सकते हो पूरा गीला है बाहर का, ऐसा वेदर है। तितली भी हमारी चलेगी, हाँ बेटा चलेगी ना, चलो उसे देखिए इस चेहरे को, ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं लगाई है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं लगाई होंगी? हाँ तो देख लीजिए
लगाए हैं कुछ जा रहे हैं। यो भाई साहब वाइट हो गया। कहाँ वाइट हो गया? वाइट हो गया। आपको पैंट पहन लेते हैं। पैंट देखे हुआ देखो हम दिखाते हैं। नहीं गाइस ओरिजिनल ब्यूटी है। ओरिजिनल ब्यूटी वाह मनीषा वाह। और ये भाई तुम क्या भाई तुमको इतना मेकअप करने क्या जरूरत है? बहुत पूरा आई शैडो भाई आईलैशेस क्या क्या भाई क्या क्या खा जाता रही हूँ मस्कारा फस्कारा दाना टू लगा देते हैं का मुंडी ऐसे कर मुंडी का मेकअप थोड़ा सा मन किया करने का। मुंडी का काम मेकअप करी तुम तो अपना कर रही हो। मेरा मेकअप सपना मेकअप कर रही है। अच्छा तुम्हारे मेकअप वाले अच्छा फ्री का मिल गया माल तो चलो कोई बात नहीं। हाँ, फ्री का मिले तो छोड़ना नहीं चाहिए छोड़ना नहीं चाहिए। चलो कोई नहीं अब ये लोग तैयार हो जाते हैं उसके बाद हम लोग निकलेंगे। आप लोग बने रहिएगा नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वाह देख सकते हैं दोनों बहनें का मेकअप वाह। तो गाइज अभी बुनू का भी आगमन हो चुका है। ये हमारी प्यारी सी साली हैं एकदम खिड़की से इनका घर दिखता है ना। ऐ चला जा जी ये लोग अभी रेडी हो गए हमारी तितली भी रेडी हो गई है। यस गाइस ये लोग घर से बाहर निकलते हैं लोग का ड्रामा शुरू हो गया भाई चलो क्यों। और ये ड्रामा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक आदमी का घर बना है देखिए और वहाँ पर है फुटबॉल। इधर बहुत ज़्यादा फुटबॉल प्रेमी लोग रहते हैं आप सभी को पता भी है कि वेस्ट बंगाल मींस फुटबॉल है ना बेटा। तितली और हम लोग चल रहे पीछे पीछे क्योंकि गाइस पता नहीं कब बारिश आ जाए मौसम तो ऐसा है। देखी पीछे बिल्ली गई है। पहुंच चुके हैं मार्केट एंड बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी बहुत मजा आ रहा है। अभी हम लोग ये फुटबॉल मैच भी देख रहे हैं और इधर बिक रहा है राखी आप लोग देख सकते हैं। तो अभी राखी लेंगे भाई के लिए अच्छा वाला राखी लेंगे महंगा वाला। ये थोड़ा महंगा गिफ्ट भी दे। एक मुंटी है इधर ये खरीद रही है राखी। राखी इधर राखी नहीं मिल रहा राखा मिल रहा है। ये मत छूना तो भाई ये बल छू रही थी राखा मिल रहा है गाइस देख लीजिए। गाइस ये इधर मस्ती मजाक चल रहा है बोले कि राखी वाले भैया आपको राखी बांध देंगे आपको मिठाई भी खिलाएंगे आप थोड़ा कम बेसी कर लीजिएगा इतना महंगा है। देखिए ये वाला राखी कैसा है ये वाला तो अच्छा लग रहा है सुंदर लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा है दो तीन दुकान घूम ली और ये लोग मुझे टहला रहा है इतनी का मस्ती कर रहे हैं। ये लोग को राखी पसंद नहीं पड़ा तो करें कि अब तितली का ड्रेस लेना है सबसे पहले ड्रेस लेते हैं। और अभी हम लोग आ गए हैं मॉल यही पास में ही था। अंदर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि दो चार दिन पहले इंडिपेंडेंस डे था तो उसका भी डेकोरेशन बचा हुआ। वाओ वाओ बहुत खूबसूरत लग रहा है ना स्टार। तो बहुत सारा लैपटॉप भी मिलता है। हाँ चले चले कहाँ जाना है जी उस पर बैठने में बहुत मजा आता है। तो गाइस अभी तितली का ड्रेस लेने के चक्कर में लग रहा है ना। वाओ वाओ ये वाला अच्छा है तीनों अच्छा है बहुत बढ़िया कलर तीनों बहुत अच्छा है। ये वाला थोड़ा ये है ना लाइट कलर गया ये वाला ये भी अच्छा है ये देखो ये भी अच्छा है बहुत प्यारा है। क्या पैंट के साथ सेट तो अच्छा है ये भी ले सकते ले लो कलर बहुत अच्छा है। तितली का भी हम लोग ले रहे थे ड्रेस अच्छा लग रहा है ना तीनों बहुत प्यारा कलर है। तो उसके डेली वेयर के लिए कपड़े नहीं थे इसलिए हम लोग आ गए। वाह बहुत प्यारा है छोटा चले इसका साइज़ बड़ा हो तो काफ़ी प्यारा प्यारा है। नहीं ये कलर अच्छा लग रहा है ये वाला बहुत प्यारा कलर लग रहा है। गाइस ये देखो इसकी जिद थी कि मम्मी इस पर घुमाओ तो नीचे अभी घुमा रही थी इसमें नहीं क्या हो गया चलो घर भी चलना बेटा करिए नहीं उतरने का नाम ही नहीं ले रही है। तो तितली का हम लोग ड्रेस ले लिए। तो गाइस अभी शॉपिंग करते करते पहुंच चुके हैं हम लोग सामने है यहाँ पे बारासात में काली जी का सबसे बड़ा मंदिर है यहाँ का ये और हम लोग हमेशा आते हैं तो यहाँ पे मत्था टेकते हैं। तितली कौन है बेटा नमो नमो कर दो नमो नमो कर दो राम राम करती है तितली हमारी राम राम करती है पूजा करती है ऐसे। चलो
चलते हैं हम लोग। हे गाइस, तो फाइनली शॉपिंग कंप्लीट हो गया और अभी आ गए हम लोग मस्त गोलगप्पा खाने के लिए। ये हमारा हम मतलब नहीं खरीदा बस तितली का और निशा का लिया गया है, अभी राखी बाकी है ना जी। अभी मस्त हम लोग खाएंगे यहाँ पे गोलगप्पा और ये हमारा फेवरेट स्पॉट है, जब भी आते हैं यहाँ गोलगप्पा जरूर खाते हैं। शॉपिंग करते करते अपने भाई के दुकान पे स्टिच द स्टाइलिंग इमेजिनेशन चलते अंदर और देखते हैं क्या क्या नया कलेक्शन लाया है, क्योंकि वो बोला कि चलो दुकान पे कलेक्शन। भाई सेल लगा हुआ है यार, तितली चलो इस दुकान का फीता काट के ओपनिंग तितली की है ना। वाह चलो भाई, भाई स्वागत है आपका। वाह मेरे ही दुकान में मेरा स्वागत। वाह भाई वाह, तितली को देखो जबरदस्त जबरदस्त कलेक्शन है भाई साहब, देख सकते हैं। वाह ये सारा तो जूडियो में भी आ रहा है ना बहुत ज़्यादा, बट यहाँ पर भी है देख सकते हैं, बहुत जबरदस्त जबरदस्त कलेक्शन है। वाह लेकिन निशा इस वजह से कुछ नहीं ले सकती क्योंकि ये क्या है सिर्फ मेंस का है, मेंस का। और क्या हाल चाल है, बहुत शर्मा रहे हो। हे गाइस, तो जैसे ही हम लोग दुकान से बाहर निकले यहाँ पे बहुत सारे लोग, आप सबको पता है कि कोलकाता में बीते कुछ दिनों पहले एक ऐसी हादसा हुआ है जो बिल्कुल उसके बारे में क्या ही बोले, हर इंसान अगर वो इंसान है तो वो दुखी हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे पूरा जस्टिस के लिए लोग फिर से उमड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और देखते देखते मुझे लग रहा है कि इतना ज़्यादा क्राउड था ऐसा लगा कि मुझे लगा शुरू शुरू में शायद कुछ ही लोग हैं, बट देखते देखते मुझे लगा ना कि कम से कम 3-4 हज़ार लोग इकट्ठा हो रहे थे। आगे एक वहाँ पे चौराहा था और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, मांग कर रहे थे जस्टिस के लिए। तो क्या ही बोलूँ मैं, ये इन देख के तो ऐसे इंसान दुखी हो जाता है ये सारी चीज़ें, क्योंकि इस तरह की अगर कोई घटना हमारे देश में हो रही है कहीं पर भी हो रही है जो बिल्कुल भी ये दर्शाता ही नहीं है कि हम इंसान हैं, और हमारी जब बहू बेटियाँ ही सुरक्षित नहीं रहेंगी तो क्या फ़ायदा ये कहने का कि हम विश्व शक्ति की ओर हैं, ये सब कुछ अपने देश के बारे में। तो बहुत सारी चीज़ें जो शर्मसार की है इंसानियत को। और आपको बता दूं कि मैं जिस कॉलेज में ये घटना घटी उसमें मेरी एक बहन भी पढ़ती है, जिसको डॉक्टर साहिबा मैं कहता हूँ, आप लोग देखते हैं हमेशा मेरी बहन को, तो वो पढ़ती इसी कॉलेज में, अभी वो घर गई हुई है, अंकल की बेटी है मेरी। बट चलिए कोई नहीं, आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। और अब आज का हमारा आखिरी काम यही था कि भैया स्वीट्स ले लो, बट फाइनली जैसे ही पहुँचे एकदम ताज़ा ताज़ा बहुत सारा स्वीट्स इनके दुकान पे आया, और ये यहाँ का फेमस दुकान है, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि चलो कम से कम एक टेंशन था कि कहीं मिठाई अच्छा मिले या ना मिले, बट कल के लिए बहुत ही अच्छा हमें मिठाई मिल चुका है यहाँ पे। तो अब चलेंगे हम लोग घर की तरफ, आप लोग बने रहिए, आशा करते प्यारा सा ब्लॉग पसंद आया होगा।